महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े जाने का निर्णय भगवान श्री कृष्ण का था, किंतु उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना, ये आज हम जानेंगे उससे पूर्व। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब महाभारत युद्ध होने का निश्चय हो गया, तब उसके लिए भूमि की खोज शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण बड़ी हुई असुरता से ग्रसित व्यक्तियों को उस युद्ध के द्वारा नष्ट करना चाहते थे, किंतु यह भय था कि यह भाई भाइयों का, गुरु शिष्य का, संबंधी कुटुंबियों का युद्ध है। एक दूसरे को मरते देखकर कहीं संधि न कर बैठे, इसीलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुननी चाहिए जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। उन्होंने अनेकों दूत अनेकों दिशाओं में भेजे कि वहां की घटनाओं का वर्णन आकर उन्हें सुनाए। एक दूत ने सुनाया कि अमुक एक जगह है जहां बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, किंतु उसने स्पष्ट इनकार कर दिया और उलाहना देते हुए कहा, तू ही क्यों न बंद करावे, मैं कोई तेरा गुलाम हूँ। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड के पास ले आया, और जहां से पानी निकल रहा था वहां उस लाश को पैर से कुचलकर लगा दिया। इस प्रसंग को सुनकर श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि ये भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। यहाँ पहुँचने पर उनके मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे परस्पर प्रेम उत्पन्न होने अथवा संधि चर्चा चलने की संभावना न रहेगी। वो स्थान कुरुक्षेत्र था, वही युद्ध रचा गया। महाभारत की यह कथा इशारा करती है कि शुभ और अशुभ विचारों एवं कर्मों के संस्कार भूमि में देर तक समाये रहते हैं, इसीलिए ऐसी भूमि में ही निवास करना चाहिए जहां शुभ विचारों और शुभ कार्यों का समावेश रहा। हम आपको ऐसी ही एक और कहानी सुनाते हैं जो कि श्रवण कुमार के जीवन से संबंधित है। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, वे उनकी सेवा पूरी तत्परता से करते थे, किसी प्रकार का कोई कष्ट न होने देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा प्रकट की। श्रवण कुमार ने कावर बनाकर दोनों को उसमें बिठाया और उन्हें लेकर तीर्थ यात्रा को चल दिया। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उसके मन में ये भाव आए कि क्यों ना माता पिता को पैदल चलाया जाए। उसने कावर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। वे चलने तो लगे, परंतु उन्होंने साथ ही ये भी कहा, इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वो भूमि निकल गई, तो श्रवण कुमार को माता पिता की अवज्ञा करने का बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैर पड़कर क्षमा मांगी तथा फिर कावर में बिठा लिया। उसके पिता ने कहा, पुत्र इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस भूमि पर किसी समय मैं नामक एक असुर रहता था, उसने जन्म लेते ही अपने ही माता पिता को मार दिया था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं, इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी। तो अंत में मेरे साथ प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण।